मखनपुर तो आया मैं मखनपुर का बुद्धि सिंह चारक हाँ। मेरी डिमांड है मेरे सारे मखनपुर लसोड़ा तर तक जिन्हें भी साढ़े ग्रां पाते हैं कूल अपने गंढलियाँ इंटर ठाणा सब तो ज़्यादा लोग तंगना इंटी यो डिमांड है कि इतने जो ट्रांसफार्मर 6 PM तो आ रहा जब तक 10 दिन इतने नहीं ला तब तक ये चलाया जाए जगह नहीं चलाते अब जिन्हें नहीं डकी एक्सी साहब नहीं जान देना और जे ई साहब जाना बिल्कुल नहीं जान देना एक भी साड़ी सारे लोगों की यह मंग है कि इतू एक बंदा नहीं लेना जब तक ट्रांसफार्मर का सारा मसला नहीं किया जाएगा जब सू 6 PM ट्रांसफार चलाया जाए जहाँ अंदर डकया जाए तो कि इन्हें भी पता लगे कि गर्मी कि लोग कि सू ना रात आराम है ना दिन आराम है अस बिल्कुल अज गुस्से आए हैं इतने अज इन्हें कि कुछ ना कुछ है पानी का पानी दुध दुध करिए जाना कुछ ना कोई मसला अपना जो सू बहुत तंगी है अस लोग बड़े इतने हम सारी पब्लिक सलेहड़ पावर स्टेशन के अंदर खड़े हैं। परसों हमारे 10 MVA का ट्रांसफार्मर लगा था और हमारी डिमांड है कि 10 MVA का ट्रांसफार्मर और चाहिए। दूसरा इनके रिप्लेसमेंट में जो 6.3 KVA ट्रांसफार्मर है जे हम नहीं जाने देंगे। जिन जिन गांवों को जे बिजली जहां की जाती है उनको बिजली चाहिए। उसके बाद अभी गवर्नमेंट ने या चीफ साहब ने एक्शन साहब को भेजा है लेकिन पब्लिक उनसे जवाब मांग रही है। पब्लिक को एक्शन साहब संतुष्ट नहीं कर पाए वो कहते हैं कि कट आएगा। हमारी पब्लिक की हमारी डिमांड है कि कट नहीं होगा। दूसरा मखनपुर लसवाड़ा गंडली कोठे प्लाटे रठाना जी जी जगह भी पचेल जहां से बिजली जाती है उसको बिल्कुल कट नहीं चाहिए। अगर ये स्टेशन को बड़ा करने की जरूरत है तो बड़ा करें, हमारा कोई उसमें वो नहीं है। गवर्नमेंट किराया देती है, लोगों के बच्चे सुबह स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि रात को उनको रेस्ट नहीं मिलती, सुबह स्कूल नहीं जाते। जहाँ पे इतनी औरतें आई हुई हैं, बंदे आए हुए हैं लेकिन एक्शन साहब ने दुनिया को संतुष्ट नहीं किया। बिजली विभाग मैं सुषमा व्हाइट हाउस डायग्नोस्टिक सेंटर बड़ी ब्रह्मणा से आप सबको नमस्कार करती हूँ। दूसरा मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगी, हम 27 तारीख को सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक केसी मोड़ विश्ना में एक कैंप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं जिसमें आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप अपना कीमती समय निकाल कर वहाँ पे फ्री हेल्थ चेकअप करवाने ज़रूर आएँ, जिसमें बहुत सारे टेस्ट आपको फ्री दिए जाएंगे और साथ में ECG आपका BP ये सब फ्री में चेक किया जाएगा और भी बहुत सारे टेस्टों की आपको सुविधा फ्री में मिलेगी। बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अक्सर हमारी SL तक नहीं पहुँच पाते हैं या बड़ी लैब्स पर वो नहीं जा पा सकते हैं, ठीक है, वो कहीं से टेस्ट करवाते हैं और उन्हीं के बेस पे वो दवाइयाँ खाते रहते हैं और जब वो हमारे पास आकर कभी टेस्ट करवाते हैं तो वो बहुत सारी लैब में जो है रिपोर्ट्स में वेरिएशंस आती हैं। सर एक बार मैं ये कैंप लगा के उनको ये बताना चाहती हूँ कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमें अपने स्वास्थ्य के साथ जो है कुछ गलत नहीं करना चाहिए, हमें कहाँ से टेस्ट करवाने चाहिए और कहाँ से नहीं करवाने चाहिए। इसलिए जब हम कैंप लगाएंगे तब उन्हें मालूम हो जाएगा कि SRL में और बाकी जो लैब्स में उसमें क्या अंतर होता है। सर सबसे ख़ास बात मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि SRL की रिपोर्ट जो है पूरे हिंदुस्तान में वैलिड है। आप कहीं पे भी चले जाइए, आप जब गंगाराम हॉस्पिटल में किसी को दिखाने जाते हैं सबसे पहले आपके वहाँ बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, बहुत सारे पैसे भी लिए जाते हैं, 25,000 या उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। लेकिन जब आप हमारे SRL में टेस्ट करवा के ये रिपोर्ट वहाँ पे लेके जाएंगे ये वैलिड मानी जाएगी। बल्कि आप किसी और लैब की रिपोर्ट वहाँ पे लेके जाते हैं जो कि एक लोकल लैब होती है वो वैलिड नहीं होती है। SRL लैब ना होकर एक बहुत अच्छा ब्रांड है जिस पे हम सब ट्रस्ट करते हैं और बहुत से लाखों की दुनिया में लाखों करोड़ों की तादाद में दुनिया इस पे ट्रस्ट करती है। आखिर में आप सबसे सर एक बार विनती करना चाहूँगी आप सबसे कि 7 से लेकर 11 बजे तक 27 तारीख को KC मोड़ में आप सब अपना फ्री हेल्थ चेकअप करवाने ज़रूर आएँ। धन्यवाद। मैं सुषमा।